एक ठूंट, जानते हो ठूंट, एक पेड़ पतझर का जिसमें पत्ते नहीं होते, ठूंट बना खड़ा रहता है। एक बूढ़ा निकला वहां से, उस बूढ़े ने कहा यह ठूंट पतझर के पेड़, क्या जिंदगी है तेरी, फल नहीं, फूल नहीं, पत्ते नहीं, डाली नहीं, ठूंट बनकर खड़ा है। ठूंट ने पूछा क्या हुआ, बोले पागल तुझे तो मर जाना चाहिए, तुझे तो जीने का कोई हक नहीं है, ना तुझ में फूल है, ना पत्ते हैं, ना फल है, ना डाली है, ना कोई राहगीर को तू छाया दे सकता है, ना किसी को आसरा दे सकता है, ये क्या जिंदगी है तेरी, बता तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों जी रहा है तू। उस ठूंट ने देखा उस बूढ़े को, उसने कहा मेरा लक्ष्य तो तुझे समझ में आएगा, जरा अपनी जिंदगी का लक्ष्य बता, ना तुझ में हाथ पैर में दम नहीं, कमर टूटे हुए, मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, झुर्रियां पड़ी हैं शरीर में, क्यों जी रहा है तू, तेरे जीने का लक्ष्य क्या है। बूढ़े ने देखा सच कहता है, तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी एक सी है, तू किसी को छाया दे नहीं सकता, आसरा दे नहीं सकता, मैं भी बूढ़ा किसी को कुछ नहीं दे सकता हूं, तो ठूंट अब तेरे जीने का मतलब क्या है। एक बात याद रख बूढ़े, सावन फिर से आएगा, यौवन फिर से लौट कर कभी ना आएगा, जो तेरा यौवन चला गया वह ना लौटेगा, सावन तो लौटेगा, सावन आएगा ये ठूंट फिर से हरा हो जाएगा, फिर से पत्तियां होंगी, फिर से फूल होंगे, फिर से फल होंगे। इंसान तेरा यौवन चला गया तो वह कभी दोबारा लौट कर आने वाला नहीं। किन किन बातों पर हम अहम करते हैं, कितना अहंकार है, सास बहू के बीच अहंकार, देवरानी जेठाने के बीच अहंकार, भाई बहन के बीच अहंकार, ध्यान रखना, भाई भाई के बीच अहंकार, विचार करिए, सारी लड़ाइयां अहंकार की हैं, और अहंकार ये अहम जो होता है वह बहम पे खड़ा है, झूठे बहम पाल रखे हमने, छोटी छोटी बातों पे अहंकार है। एक भिखारी भीख मांगने पहुंचा, सास मंदिर गई थी, उसने कहा कि बहू से कुछ दे दो, बहू ने कहा चला रोज के रोज चला आता है, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, बोले नहीं है, भाग यहां से। भिखारी लौट के आया, रास्ते में सास मिली, उसने कहा अम्मा जी तेरी बहू तो बहुत बेकार है। अम्मा ने कहा क्यों, बोले आज मैं मांगने गया कुछ नहीं दिया, भगा दिया। अच्छा मेरी बहू ने भगाया, बोले हाँ, बोले चल मैं देती हूं तुझे, अकड़ उसको, इसकी जरूरत नहीं है, सास को इसकी मतलब नहीं है कि भिखारी को कुछ चाहिए, सास तो इसलिए ले गई कि बहू ने मना, इस छोटे छोटे अहंकार, ले गई हाथ पकड़ के भिखारी को, बोले दरवाजे पे खड़ा रहे मैं आती हूं। अंदर गई भिखारी, 10 मिनट खड़ा, 15 मिनट खड़ा, 20 मिनट खड़ा, उसने कहा अम्मा कुछ देगी या नहीं। आधे घंटे बाद अम्मा निकल के आई, बोले क्यों रे भिखारी तू गया नहीं, अभी तक खड़ा ही है। अरे बोले तू ही तो पकड़ के लाई थी कि चल मैं देती हूं। बोले पागल देना तो मुझे भी नहीं, तो बोले लाई काहे को थी, बोले इसलिए लाई थी कि इस घर में बहू कौन होती है मना करने वाली, मना करूंगी तो मैं करूंगी, देना तो मुझे भी नहीं। अहंकार, बहू कौन होती ना कहने वाली, मिलना तो मेरे से भी नहीं है तुझे, लेकिन ना कहूंगी तो मैं कहूंगी, ध्यान रखना। अहंकार आदमी के जीवन में।